हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग ब्रीड के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। अगर आपको अपने डॉग की वीडियोस और फोटोज को फीचर करवाना है हमारी वीडियोस में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे अपनी फोटोज और वीडियोस को ईमेल करें। आज की फोटोज भेजी है राहुल नाडर ने दिल्ली से। लैब्राडोर रिट्रीवर्स बहुत पॉपुलर डॉग ब्रीड है और ये डॉग ब्रीड अमेरिका और इंडिया की भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है। अमेरिकन केनल क्लब के अकॉर्डिंग ये डॉग ब्रीड पिछले 24 सालों से मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की लिस्ट में टॉप स्पॉट पे है। लैब्राडोर रिट्रीवर्स को परफेक्ट वाटर डॉग बनाने के लिए ब्रेड किया गया। लैब्राडोर्स के पास वाटर रेजिस्टेंट डबल कोट होता है जो इन्हें वेल इंसुलेटेड रखता है और इनका शॉर्ट फर इन्हें गर्म रखता है। लैब्राडोर्स के पास वेब्ड फीट यानी जालीदार टोज होते हैं जो इन्हें तेजी से स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग ब्रीड्स का इस्तेमाल मछली पकड़ने में किया जाता है। मछुआरे इन डॉग्स का इस्तेमाल फिशिंग नेट्स को लाने और नौकाओं के बीच रोप खींचने में यूज़ करते हैं। जितने भी लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग हम आजकल अपने आसपास देखते हैं वो असल में न्यू फाउंडलैंड डॉग ब्रीड से है। 18 सेंचुरी में न्यू फाउंडलैंड डॉग को छोटे वाटर डॉग्स के साथ ब्रेड किया गया और सेंट जॉन्स वाटर डॉग का इजाद हुआ। वो छोटे छोटे डॉग ऑलमोस्ट आज के ही लैब्राडोर्स के जैसे दिखते थे, मगर उनके पंजे और मजल वाइट कलर में होते थे। सेंट जॉन्स वाटर डॉग इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो गई, बट उन डॉग्स को लैब्राडोर रिट्रीवर का पूर्वज माना गया। लैब्राडोर रिट्रीवर्स बहुत तेज दौड़ते हैं और इन डॉग्स को इनकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी की वजह से भी जाना जाता है। लैब्राडोर डॉग्स सिर्फ 3 सेकंड में 12 मील प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग का लिटर साइज 5 से 10 पपीज का होता है और इन डॉग्स के पेरेंट्स का चाहे कोई भी कलर कोड क्यों ना हो, इनके पपीज ब्लैक, ब्राउन और चॉकलेट किसी भी कोड में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला फैक्ट थोड़ा अजीब है क्योंकि एक ब्लैक लैब्राडोर जिसका नाम पेप था उसे जेल हो गई थी क्योंकि उस ब्लैक लैब्राडोर ने एक कैट को मार दिया था। सन 1981 में सुनोल कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के मेयर इलेक्शन का विनर एक ब्लैक मिक्स लैब्राडोर बना जिसका नाम बॉस्को रेमोस था। इस मेयर का स्लोगन था अ बोन इन एवरी डिश, अ कैट इन एवरी ट्री एंड अ फायर हाइड्रेंट ऑन एवरी कॉर्नर। अमेरिका की गाइड डॉग की लिस्ट में डॉग्स के रेशियो में लैब्राडोर रिट्रीवर 70% है, गोल्डन रिट्रीवर 15% और जर्मन शेपर्ड्स 15% है। लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग को स्निफ करके कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के अर्ली स्टेज को पता लगाने के लिए भी ट्रेन किया जाता है। लैब्राडोर बहुत ही सोशल ब्रीड होती है। सोशल ब्रीड से मेरा मतलब है कि ये किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल जाते हैं और अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर है तो आपके लिए ये डॉग ब्रीड बेस्ट है, बट इन डॉग्स को ज़्यादा देर अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक वॉर्सो पोलैंड में 29 अगस्त 2010 को लार्जेस्ट सिंगल ब्रीड डॉग वॉक कराई गई जिसमें 700 लैब्राडोर रिट्रीवर्स को 5 किलोमीटर तक वॉक करवाया गया। लैब्राडोर डॉग्स को बॉम्ब स्निफर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आप सभी को मुंबई अटैक 26/11 तो याद ही होगा जिसमें हमारे डॉग बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड ने लोगों की जानें बचाई, उसमें लैब्राडोर रिट्रीवर भी थे। लैब्राडोर रिट्रीवर्स डॉग्स का प्राइस अराउंड 10,000 से 15,000 रुपीज़ के बीच है। लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम और कनाडा है। लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग ब्रीड का लाइफ स्पैन 10 से 14 ईयर्स के बीच होता है। मेल्स की हाइट 57 से 62 सेंटीमीटर के बीच होती है और मेल्स का वजन 29 से 36 किलो के बीच होता है। फीमेल्स की हाइट 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है और फीमेल्स का वजन 25 से 32 किलो के बीच होता है। इनका टेम्परामेंट आउटगोइंग, इंटेलिजेंट, एजाइल, जेंटल और काइंड होता है। ये काफ़ी कोड्स में अवेलेबल होते हैं जैसे कि स्मूथ, शॉर्ट, डेंस और स्ट्रेट। ये काफ़ी कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि ब्लैक, चॉकलेट और येलो। इनका लिटर साइज 5 से 10 पपीज के बीच होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एपिसोड लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग ब्रीड के बारे में। और फ्रेंड्स, ईमेल करना ना भूले अपनी डॉग के फोटोज़ और वीडियोज़ को। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।